आज हम आए मेथी के खेत में। ये मेथी का खेत का मालिक है, खेती का अमानुल्लाह साहब। ये देख सकते हो प्यारी प्यारी मेथी है। ये जो बोलते हैं ना कराची में सब्जी होती है गंदे पानी से होती है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से झूठ है। इनके बड़े सोलर लगे हुए हैं, बड़े बोर लगे हुए हैं अपने अपने, उसके हिसाब से पानी निकलता है। और ये देख सकते हो कितना साफ है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी। जो हमारे को मार्केट में मिलती है ना, इसकी आधी भी खुशबू उधर नहीं होती। और ये देखे पत्ते कितने खूबसूरत हैं इसके। इसको निकालने का यही तरीका है, प्यार से इसको यहाँ से पूरी मुट्ठी बंद करके और इधर ही मुट्ठी जो है ना मिट्टी झाड़ दो, मिट्टी अंदर नहीं जाएगी इसमें। जड़ें देखो कितनी साफ हो गई। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू है, ये पूरी खेत है इसकी। ये माशाल्लाह हमने भी इसको खेती से निकाल दिया, बहुत है हमारे लिए, हमारे घर के लिए बहुत है। ये अमानुल्लाह भाई को इज्जत बख्शी हमारे को, इसने मंगाया, इसको इसने घुमाया हमारे को, बड़ी मेहरबानी इसकी इसकी बनाएंगे। अभी जो हम ताज़ी ताज़ी मेथी निकाल के आए हैं तो उसके बनाएंगे हम आलू मेथी के लिए। कलर देख सकते हो बड़ा खूबसूरत कलर है और ताज़ी ताज़ी ज़मीन से निकली हुई है, खेती से निकली हुई है। अभी इसकी कटाई करेंगे, आलू छिलाई करेंगे, फिर मसाला बनाएंगे, मसाला बना के फिर इस मेथी में डालेंगे। घास नहीं है, साफ है बिल्कुल, इसका जो है ना कोई ऐसा घास में नहीं है, इसलिए हम थोड़ा इसके कुछ जो है पत्ते पत्ते जो घास में होंगे, घास वो नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत है तो इसके निकाल देते हैं, इसकी सफाई करके फिर निकाल देते हैं। बारीक बारीक कटिंग देंगे, बारीक बारीक इसकी कटिंग कर देंगे। माशाल्लाह ये इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और आलू मेथी माशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छी और लजीज बन काट दी। मेथी को साफ अभी धुलाई करेंगे, वैसे ही साफ है, इसको साफ कर देंगे धुलाई करके। पानी का मेरे पास ये इसके जो है ना इसमें डालूंगा, ये मिट्टी मिट्टी है ना नीचे चल जाएगी। टप में डाल देता हूँ, मीठी मीठी होती है ना। इसको मैंने साफ कर दिया, ये जो पीछे ढक्कन है लकड़ियाँ हैं जो वो नीचे हैं, अभी इसको छोड़ देंगे हम निकालेंगे ताकि जो है किलो आलू है, एक किलो मेथी है, एक पाव प्याज है, इसको छिलाई कर दूंगा मैं। अभी प्याज काट देते हैं, इसको प्याज काट देते हैं। टमाटर काट दें, ये हो गया। इसके बाद आलू आलू की कटिंग कर देंगे, आलू की कटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी कर देंगे। आलू में पानी चेंज कर दिया, अदरक और लहसुन जो है ना साथ साथ कूट देंगे। इसको
निकाल देंगे, टमाटर और प्याज में डाल देंगे इसको, ये तक लहसुन कटाई कर दें। अभी आलू मेथी बना रहे हैं, उसके लिए हमने प्याज काट दिया था, टमाटर भी काट दिया है, आने बंद तक करना है। इसमें आयल लगा देंगे, लगा देंगे इसको बिस्मिल्लाह। बनाएंगे ये मेथी का मसाला, आलू मेथी का, ये लाल मिर्च निकाल दिए। उसके बाद ये हमारे पास जीरा पाउडर है, ये भी दो चम्मच, चाय वाले हैं दो चम्मच, ठीक है। उसके बाद ये काली मिर्ची, और उसके बाद आएगी हल्दी, ये हल्दी, सही हो गया साबित जीरा, ये साबित जीरा, इसका अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, तो ये हो गया, छोटे हो गया। इसमें डाल देंगे टमाटर, मसाला जो निकाला था इसमें मसाला डाल देंगे, मसाले में नमक मैंने नहीं डाला था तो इसमें नमक डाल दूंगा। हल्का सा पानी जाएगा, मेरा रेडी हो गया है, देख सकते हो। तो इसमें डालूंगा मैं मेथी, इसमें जाए है वहाँ, इसमें डालूंगा मेथी, मेथी के बाद जाएंगे आलू, ये मैंने डाल दी, इसमें मेथी डाल दी, इसको दो से तीन ओवर आ गए। अभी इसमें मैं आलू डाल दूंगा, मेथी नरम हो गई है, काटे थे मैंने बड़े बड़े, इसको दो मिनट मजीद और भुनेंगे, फिर इसको ढकना लगा देंगे। पांच मिनट तक भुनेंगे, अभी आलू को चेक करते हैं, हमारी सब्जी की बुनाई सही हो गई है, अभी आलू गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं माशाल्लाह, आलू मेथी तैयार हो गई हमारी, अभी इसको निकाल देंगे, हमारी तैयार हो गई आलू मेथी, इसको निकाल देंगे।